हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेज़ोन के बारे में। जी, अमेज़ोन पे आप कहाँ के मतलब थोड़ा सा काम करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें, मैं अपने अकाउंट की जानिब चलता हूँ। ये देखें जनाब, ये मैं साइन अप करता हूँ। साइन अप करते ही ये जो है ना, मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। ये आ गया है कि आप इस अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं। यहाँ पर क्रिएट भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो अभी जो है ना, मैं डायरेक्ट जो है ना आपको अपने स्टोर पे ले चलता हूँ। तो चलें स्टोर की जानिब चलते हैं। ये देखें, ये जो है ना मेरा स्टोर जो है ना ओपन हो गया है। ये मैंने मेरा जो स्टोर है अमेज़ोन पे बना हुआ है, वो बलोच स्टोर नेम से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना सेल क्या करने पड़ते हैं, कुछ भी अमेज़ोन के बारे में आप सब जानते हैं कि वहाँ पर सब चीज़ें जो है ना सेल होती हैं। तो जनाब, ये जो है ना मेरा स्टोर है, और मैं अपने स्टोर पे जो है ना कैसे जो है ना और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूँ, वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। ये देखें आप साइड में देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, ये सब रखे हुए हैं। मैं यहाँ कंप्यूटर पर क्लिक करता हूँ। कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर के कुछ चीज़ें होती हैं, सिस्टम से डेटा स्टोरेज वाले। यहाँ पे मैं डेटा स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, और डेटा स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है ना ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली इसको जो है ना कॉपी करूँगा। इसके जो पूरी टाइटल है, इसको कॉपी करने के बाद जो है ना क्या करना पड़ेगा, इस जो है ना पिक को सेव करना पड़ेगा। पिक को कैसे सेव करें, सेव इमेजेस में आके, सेव इमेज में आके कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद एंटर दबाएंगे, तो ये कह रहा है कि ये नाम इतना बड़ा है कि ये सेव नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नाम को जो है ना हम क्या करेंगे, कट शट करके छोड़। तो जनाब, हम जो है ना इसको क्या नाम देते हैं, यहाँ पे देते हैं नेम, देते हैं डेटा स्टोरेज लिखते हैं, ठीक है। डेटा स्टोरेज ये लिखे, हम इसको जो है ना सेव कर लेते हैं। ये जो है ना सेव हो गया। अब जो है ना हम साइट पर आप जाके अपने स्टोर पे जा रहे हैं हम अगेन एक बार। साइट पर आप जाने के बाद जो है ना हम जो है ना इन्फ्लुएंसर पे आएंगे, फिर माय पेज पे, माय पेज पे हम जाएंगे। तो ये जो है ना मेरा स्टोर खुलाएगा। मेरा स्टोर जो खुलाया, तो मैं क्या करूँगा, पोस्ट वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ पर जाऊँगा। और इस पे जाने के बाद ना यहाँ पे जो है ना ये खुल क्लिक अपलोड है वीडियोज़ आर इमेज, तो यहाँ पे ना मुझे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जो है ना मैंने जो अभी अभी ये जो वहाँ से तो यहाँ पे ना डेटा स्टोर वाले जो पड़ी है चीज़ जो अभी अभी मैंने कॉपी करके रखा है, सेव किया हुआ है। तो क्या करूँगा, अभी इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जो है ना ये मेरे स्टोर पर जो है ना अपलोड हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे लिखा है टैग एट लीस्ट वन प्रोडक्ट, कहता है कि टैग्स भी जो है ना आपको लगाने हैं। तो टैग्स लगा के हम जो है ना यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो जो हमने कॉपी किया था। तो है ना इसके जो है ना टैग्स लिस्ट में इसके जो है ना इसी की टाइप के और भी आएंगे। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे जो है ना डेटा स्टोरेज वाले हैं। और हम हमारी ये जो प्रोडक्ट कोई भी सर्च करेगा तो ये हम टैग लगाते हैं ना इस जो नेम से ना, ये जो है ना उनको बासानी जो है ना रिसीव होगा। और इस पर ना ये करंटली अनअवेलेबल है ना, उस पर क्लिक नहीं करना, बाकी सब पे करना चाहिए। ऊपर हम डन पे जाएंगे। डन के आने के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पोस्ट जो है ना सबमिट। यहाँ कह रहे हैं कि राइट कैप्शन ऑप्शनल है, अगर हम चाहें तो जो हमने कॉपी किया हुआ था इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिख देते हैं। अभी जो है ना हम डायरेक्ट सबमिट पे जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया, तो ये जो है ना कह रहा है कि अपने स्टोर पे जाएं, तो ये आपको वहाँ पे शो होगी। तो ये जो है ना मेरे स्टोर पे अभी शो नहीं हुआ है, मगर क्योंकि अपलोडिंग हो रही है तो ये जो ना थोड़ी देर में यहाँ पर शो होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स।